हमर स्वास्थ्य हमर दायित्व। नमस्कार, हम छी पूजा प्रकाश। अपने सब देख रहल छी टाइम्स टेलीविजन से प्रसारण हुआ वाला कार्यक्रम द हेल्थ टाइम्स। द हेल्थ टाइम्स एगो स्वास्थ्य पर कोनो भी रोगक विषय पर चर्चा परिचर्चा अपने सब जरे कैल जाए छे। आ आई फिर हम आयल छी एगो नया रोग ल कऽ। आई के जे रोग छै उ छै हृदय घात। हृदय घात जकरा हार्ट अटैक सेहो कहै छै, दिल के दौरा सेहो कहै छै। कोनो कोनो जगह पर हृदय में लागल अथवा मुटु के झटका मुटु घात सेहो कहै छै। तऽ सबसे पहले बात करै छी हृदय घात में, जे हृदय के बात कर रहल छी तऽ ओ मुटु की छै। मुटु के अपना सबके जे मुटु होइ छै, हृदय होइ छै अथवा दिल कहू अथवा हार्ट कहू, ए की के कथी छै। हार्ट एगो एहन मतलब अंग छै शरीर के, एगो महत्वपूर्ण अंग छै जेकर काम शरीर भर के जे गंदगी खून छै ओहि खून के अपना में लेनाय आ ओहि के ऑक्सीजन से मिला कऽ प्योर कऽ कऽ फेर से शरीर में वापस भेजनाय छै। तऽ ई कार्डियक मसल्स अर्थात कार्डियक नामक मांसपेशी सबसे बनल रहै छै जे कि अपन अंग छै। आ जेहने कहलहुँ है कि रक्त संचार हिनकर मेन काम छै शरीर में हर जगह पर खून पहुँचाबै के काम, ओही तरीका से हार्ट के सेहो रगत चाही, खून चाही आ ओ खून कोरोनरी आर्टरी के मार्फत से, नसा के मार्फत से हार्ट के हेल्दी राखे के लागि मसल सब के कोश सेल्स सब में ब्लड सप्लाई होइ छै जकरा कोरोनरी आर्टरी कहै छै। तऽ हृदय घात भेलै, हार्ट अटैक भेलै, अगर ओहि कोरोनो आर्टरी में मुटू के मसल्स में पहुँचाबै वाला जे रगत पहुँचाबै वाला रक्त नली छै, नसा छै, ओहि मे कोनो समस्या भेलै जेना कि खून जम गेलै, ब्लड क्लॉट सब रहि गेलै, कोनो दोसर मतलब जेना कि बैक्टीरिया वायरस सब बनि गेलै, अपने सबके खून बहि गेलै, रप्चर भऽ गेलै, ओहिमे जमा भऽ कऽ बहाव रक्त संचार के जे बहाव भेलै ताहिमे कोनो अवरुद्ध आबि गेलै आ जाहिके कारण मुटू मे अगर ब्लड सप्लाई नहि हुअ सकलै, जाहिके कारण मुटु बढ़िआँ से जे धड़कै छै मुटु ओ धड़कन मे कम भऽ गेलै, अथवा जै जगह पर रक्त संचार अवरुद्ध भऽ कऽ रक्त रगत नहि पहुँचलै, जाहिके कारण ओहि जगह पर ओहि पार्ट मे नहि ऑक्सीजन पहुँचलै, नहि खाना पहुँचलै, से धीरे धीरे कऽ कऽ ओ जगह मरि जाइ छै, ओ शरीर के ओ मुटु के जे भाग छै ओ मरि जाइ छै, गलि जाइ छै। जाहिके कारण की होइ छै तऽ मुटु जे रेगुलर काम करै छलै, धड़कै छलै, ब्लड लै छलै, ब्लड दै छलै, से काम मे अवरुद्ध आबि जेतै आ शरीर मे खून के मात्रा कमी भऽ जेतै। एहि एपिसोड के कहै छै हार्ट अटैक। एगो एकदम छोट पर तुरंत से तुरंत अचानक आबि सकै है अथवा धीरे धीरे जेहने जेहने रक्त नली सुखैत जेतै, बंद होइत जेतै आ मुटु के कोश सेल सड़ैत जेतै, ओही तरीका से सेहो हार्ट अटैक आबि सकैए। अब हार्ट अटैक कोन तरीका से होइ छै? ओना कहल जाइ छै कि हार्ट अटैक से बेसी लड़की में होइ छै, लेकिन मृत्यु जे छै जे हार्ट अटैक से लड़का सब में बेसी होइ छै, ई एगो आब मिथ छै, साइंटिफिकली कोनो प्रूफ तऽ नहि छै। आब कहब किया होइ छै, मतलब कोना होइ छै हार्ट अटैक पर किया आइ अपना सब बहस कर रहल छी। 2019 मे 18 मिलियन लोग सब के मृत्यु भेल रहै हार्ट अटैक भऽ कऽ, जाहिमे ई हृदय आ नसा संबंधी रोग लागि कऽ की भेलै तऽ ओतेक लोक मतलब मरल रहै आ ओहूमे 32% की रहै तऽ हार्ट अटैक से रिलेटेड डिजीज रहै आ 85% ओहि 35 मे पूरे के पूरे हार्ट अटैक भऽ कऽ आदमी मरल रहे। अपना सब बुझि सकै छी, कहल जाइ छै यूनाइटेड स्टेट मे अगर मौत हुए तखन एक हरेक 40 सेकेंड में, अर्थात अपना सब अखन 1 से 40 सेकेंड लंबा सांस लग कर गनबै तो ओते काल में एगो आदमी के मौत भऽ जेतै हार्ट अटैक के कारण से। एशिया की कंडीशन में की छै तऽ एशिया की कंडीशन में जतेक भी रोग से आदमी के मृत्यु दर छै ओहिमे आधा
जतेक हृदय नसा संबंधित रोग के कारण से होय छे या ओय में बेसी से बेसी हृदय घात भ क मृत्यु होय छे। तकर बाद एशिया के कंट्री सब में कौन में सबसे बेसी छै त चाइना इंडिया में सबसे अत्यधिक मात्रा में हार्ट अटैक होय छे। वर्ल्ड के बारे में बात करू तो विश्व में सेहो सबसे अगाड़ी चाइना छै, तकर बाद इंडिया छै, तकर बाद अहां के रशिया भेल, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया सब छै। तो जखन दुई तरुल को बीच दुई ढूंगा बीच को तरुल हमर देश या दुनू ढूंगा में अगर हाई रिस्क से हार्ट के तो हमर देश में उतबे रिस्क से उतबे पहुंच छे। नेपाल के कहू तो 2017 के डेटा में 165 गोरा पर 1,00,000 में 1,00,000 आदमी के भीड़ में 165 गोरा के हार्ट अटैक होय छे से डेटा दिखाएल गेल छे। तो आई डेटा से अपना सब बुझ सके छी अपना सब के लागे ई जननाई की कतेक जरूरी छे। अब बात करब किया होय छे ता रिस्क फैक्टर की छे अगर अथवा कॉज की छे कारण की छे तो पहिल बात अपना सब के जीन में अगर अपना सब के वंशज में ककरो हार्ट अटैक छल तो अपनो सब के हुआ के आप आबवला संतति में सेहो हो सके। दोसर बात अखन के जे वातावरण छे सेहो कुछ अनुकूल नहीं छे अपना सब के स्वास्थ्य मिलाब सके के कारण। आ जे प्रमुख छे से एगो उमेर जतेक जतेक बढ़ते जाए छे आदमी सब के नशा जे रक्त नली छे कड़ा होते जाए छे, सॉफ्टनेस दूर भ जाए छे जे के कारण इलास्टिसिटी ओकर कमजोर भ गेल है ना, जे के कारण तनकन सकल। दोसर एज बढ़ते गेल 40 के बाद ओना कहे छे रेगुलर चेकअप करे के लागे, पहले चले हिस्ट्री में जखन 60 वर्ष बीतल तखन बाद हार्ट अटैक अबैत रहे छले, लेकिन आइ काल्हि देखल जाय छै यंग से यंग एडल्ट के जे 20 वर्ष के बादो के एडल्ट के आ कम ओहू से कम उम्र के आदमी सब में हार्ट अटैक के समस्या देखल गेल छै। न्यून छै लेकिन न्यून भेला के बादो हुआ के चांसेस छै। दोसर अहाँ 65 वर्ष के बाद भेलै तऽ अहाँ 100% अहाँ के रिस्क यऽ, अगर अहाँ स्वस्थ जीवन नहीं जी रहल छी तऽ हार्ट अटैक हुआ के चांस है अहाँ के। दोसर भेल स्मोकिंग, स्मोक अहाँ के प्राइमरी स्मोक सेकेंडरी स्मोक सेहो रिस्क छै। प्राइमरी स्मोक अहाँ अपने से स्मोक लेब, सेकेंडरी स्मोक जो दोसर के धुआँ से अहाँ लग आयत। तो आई केस में की होय छे तो बहुते कारण छे स्मोकिंग के, स्मोक में धूम्रपान में बहुते किस्म के रसायन सब मिलल जाय छे। संग संग ई आई में धूम्रपान केला से जे अपना सब के रक्त नली है ओय रक्त नली के सेहो ई कड़ा क दे छे, एकदम पत्थर जका क दे छे, सेहो एगो कारण छे। दोसर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल शरीर में फैट के मात्रा बोसो के मात्रा बहुते है, बहुते तेल सेल खाय छी तहु पैगो हो सके। ओबेसिटी अहाँ के शरीर के तोल बहुते है, मोटापन बहुते है, अहाँ सिडेंटरी लाइफ बितबे छी, अहाँ घर के काम नहीं करे छी अथवा अहाँ उठ बैठ नहीं करे छी, एगो कुर्सी पर बैठ रहलो ओते से सब काम करे छी ओहू में हुआ सके, एकदम बेसी तनाव है अहाँ के जीवन में तो ओहू से हुआ सके। डायबिटीज या अहाँ के अथवा डायबिटीज नहीं भक अहाँ के करीब करीब डायबिटीज हुआ लागे वाला लक्षण है तो ओहू में रिस्क है हार्ट अटैक हुआ के। तकर बाद अहाँ खाना के खान पीन स्पेशली सैचुरेटेड फैट जै में मिले छे तै के कहे छे अथवा आई के ट्रांस फैट से हो कहे छे। आई में की होई छे तो अपना सब जे स्पेशली अब कौन सब जेना कि जीव जंतु से आबा वाला तेल छे फैट छे जेना कि घी बनले गाय के छाली से मलाई से गाय के मलाई भेले है ना, आई सब से की होई छे अथवा रेड मीट सब भेले आई सब के कारण की होई छे तो जे बोसो होई छे ने शरीर में गेला के बाद उ जैम गेल बाहर में तरल देखेबो करते जेना जार महीना में जैम जाए छे नी नारियल के तेल, कुछ ओही तरीका से ई फैट सब सैचुरेटेड फैट सब शरीर में गेला के बाद जमल पघलल नहीं पचल नहीं आ जाए के कारण रक्त नली के साइड में जाकर ओत अरेस लाइ कर जैम कर बैठ रहा जे के कारण जै तरीका से मानु कि अतेक भूर छै हुनका जाय लागी खून जाय लागी आ अइ भूर में अगर बीच में जम गेले रक्त में कुछ रक्त नली में तऽ की हेतै तऽ अकर जे द्वार छै अइ में जे जगह छै से कम भ जेतै तऽ ओइ के कारण प्रेशर बढ़ जेतै, एगो टू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल सेहो भेल। तकर बाद अपने के बात करब
एक्सेसिव अल्कोहल यदि मादे पदार्थ सब एकदम कंज्यूम करे छी ले छी यहाँ तहु सब हो सके आ के स्लीप डिस्टर्बेंसेज आ कोनो और तरीका के आ के बीमारी सब है ओ सब से सेहो की हो सके या त हार्ट अटैक हो सके और एग्जैक्ट अगर मतलब की कारण छै जे जे के कारण आहा के हार्ट अटैक होबे करत त पहिलका या कोरोनरी हार्ट डिजीज अथवा कह सके छी कोरोनरी आर्टरी में हुआ वाला डिजीज अथवा कहो हृदय आ हृदय से संबंधित कोनो नसा में अगर कोनो रोग है ओय में आहा के होबे करत। दोसर एथेरोस्क्लेरोसिस शरीर के कोनो भी जगह के नशा की छे त बहुते कड़ा भ गेल छे सामान्य से बेसी कड़ा भ गेल छे कतो ब्लड क्लॉट सब खून सब जमा वाला बीमारी या कुछ मेडिसिन खा रहल छी ओय में ब्लड वेसल सब चोट पटक लाइक या कुछ भ के अगर अपने मने अथी भ गेल है चिरा गेल है ब्लड वेसल सब ओहू में हुआ सके या अथवा ब्लड वेसल्स स्पाजम हो सके लाइक स्पाजम मतलब नहीं काम कर सके लकवा जका भ जाए ओ कंडीशन में हुआ सके अथवा कोनो एहन मेडिसिन लब रहल छी अनावश्यक रूप से तहु के कारण हुआ सके शरीर में आहा के रगत के कमी है रक्त अल्पता है हेमोग्लोबिन के कमी है अथवा आहा के ऑक्सीजन लेवल बढ़िया से नहीं है जना कि COPD के समय होइ छै जे दम्मा सब के बीमारी में होइ छै ऑक्सीजन लेवल कम है हेमोग्लोबिन कम है ओहो सबसे हो सके। आप बात करब अगर हार्ट अटैक हुआ लागे लक्षण तो बहुते छै कारण तो बहुते छै हम कहलहुँ है आहा के अचानक से सेहो हो सके कुछ दिन के बाद सेहो हो सके तो कोना के बुझबे कि हमरा हार्ट अटैक आबि रहल है अथवा हार्ट अटैक हुआ से पहले कथी कथी होइ छै तो अपना सबके याद करब पड़त स्टॉप कहकर STOP स्टॉप। स्टॉप में की छै S से भेलै समथिंग इज नॉट गुड अथवा समथिंग रॉन्ग इज देयर। सबसे आसान तरीका से केना के सिम्टम सब अगर लक्षण सब बुझ सके छी तो स्टॉप याद करू S सब भेले जेना कि समथिंग इज रॉन्ग देयर कुछ छै गड़बड़ भेल हमरा नहीं बुझल है लेकिन हम बढ़िया नहीं महसूस कर रहल छी। T से टाइटनेस एंड पेन मतलब हमरा बुझात हमर छाती कोई दबा देलक मतलब पछाड़ी से अगाड़ी से कोई जोर से खींच रहल है अथवा जोर से दुखात है ना हाथ में पोखरा सब में दुखात तकर बाद गर्दन आहा के ई जे गर्दन से ऊपर के भाग होइ छै दाढ़ी जकरा कहै छै ओहि से नीचा के भाग में सेहो दर्द हो सके अथवा एक जगह से दर्द शुरू भ के ऊपर दिस सेहो जा सके तकर बाद ओस अदर्स जेना कि अदर्स में पहले आहा के सांस लिए में दिक्कत हो जोर जोर से सांस लेब है ना वोमिट करे के मन होत अथवा आहा के एकदम छटपटी जका भ जात पसीना आत तेसर छै तब अगर ई तीनटा में से सिम्टम आहा के कोनो सिम्टम देखा तो बुझियो कि आहा के हार्ट अटैक भ रहल है। अगर आहा के हार्ट अटैक नहियो भ रहल है तैयो आहा की करू सबसे पहले फोन कॉल करियो सो स्टॉप के याद करू। अब दोसर छै पूरा लक्षण में कहल जा तो फिर से हम दोहराबा चाहब छाती दुखात आहा के एकदम अनकम्फर्ट होत हमरा आहा के नहीं निक लागत कुसम कस होत सांस लिया में दिक्कत होत तकर बाद पोखरा में ऊपर का पोखरा ई कांध सलक कांध पोखरा हाथ में आहा के दर्द होत जे बाह एक जगह से दर्द भ के दोसर जगह से सरत तकर बाद आहा के गर्दन बुझात फाइट गेल गर्दन में दुखात आहा के जौ सब दिस दुखात तकर बाद आहा के उल्टी करे के मन होत वोमिट करे के मन होत एकदम बेसी पसीना भ जात हाथ गोर दुखा लागत झुन सीना भ जात झमझमा लागत प्राय ऊपर का बॉडी में कहियो काल एब्डोमेन पेन सेहो होइ छै पेट ऊपर का पेट सेहो दुखाइ छै छाती में जेना जलन देत अहाँ के जेना कहियो काल गैस बनि जाइ है आ जलन दै है ओहू में ओहनो किस्म के जलन अहाँ के दऽ सकै है एकदम अहाँ के कुछ करे के काम नहीं करे के मन करत अहाँ के सुतल रह के मन करत ओहि के साथ साथ अहाँ के बहुत एक परेशानी जगह रहत पसीना पसीना भ जाब से ई सामान्य लक्षण सब छै। आ कहल जाइ छै कि लड़का आ लड़की में पहले बराबर लक्षण देखल जाइ छै लेकिन कुछ रिसर्च की कहि रहल छै अखन के ताजा रिसर्च जे कुछ लक्षण लड़का में बहुते देखल जाइ छै आ लड़की में कम देखल जाइ छै जेना कि लड़का में अहाँ के डिस्कम्फर्ट एकदम मतलब कसम कस जका महसूस होते तकर बाद
हाथ में, छाती में, पोखरा कांध समय झमझमेते, जना कि नींद पड़ जाए झुनझुनी जका लगते, अथवा दुखेते, दबाल जका कोई पकड़ने हते हैं महसूस होते, तकर बाद नेक में, पछाड़ी, गर्दन में ई जो कहे छे, दाढ़ी के नीचे के ई समय की हेते तो बुझेते जना दर्द भ रहला, कोनो एक जगह शुरू भ क चल के जका लगते, अथवा छाती में सोझे बुझेते कोई भोंक देलक अते जोर से एहन दर्द होते। लड़की समय की होय छे त ई लक्षण सबके साथ साथ अचानक घुरमी लगनाय, बार बार घुरमी लगनाय, बेहोश भ जनाय, गिर पड़नाय, तकर बाद हार्ट में चेस्ट जना कि छाती में जलन बेसी देते हुनका सबके, अचानक ठंडा पसीना, टिप टिप पसीना छूटे लगते, तकर बाद प्राय थाकल छी जका फीलिंग होते, नौजैन वोमिटिंग होते। ई लक्षण सब छै, ऐसे आरो लक्षण सब हुअ सके, लेकिन ई लक्षण जे छै प्रमुख लक्षण छै हृदयघात के। आब कहब, पहिलहु बात केने छलिए से डायबिटीज पर्सन जकरा छै सुगर रोग छै पहिलही से, हुनका समय की होय छै त जकरा पुरान सुगर छै अथवा बहुते सुगर छै, अनकंट्रोल कहै छी जकरा सुगर, ओहन में की करते छी निरोगी सबके, अगर हार्ट अटैक आबि जाय त ओ बहुते खतरनाक छै। कोना के खतरनाक छै त जिनका सबके डायबिटीज होय छै हुनका सबके न्यूरोपैथी नामक डिजीज रोग मतलब विस्तार हुआ लगे छे, जै के कारण उ सब पेन अपना आप में दर्द महसूस नहीं कर सके। तो जखन ते छाती दर्द होते तो हमरा अहाँ के छाती दर्द होते तो पहले ही शुरू में कहबे आ दर्द भरला, अहाँ सब की करबे दवाई लिए जेबे डॉक्टर लग जेबे। जिनका डायबिटीज छै उनका दर्द बुझबे नहीं करता तो की होते, हार्ट के जे मसल छै ओ बढ़िया से मर जेते, काम करनाए छोड़ देते, तभी ते हुनका पता चलते जे हमरा हार्ट अटैक आयला। तो ओहि लागि अगर कोनो भी डायबिटीज के पेशेंट छै तो हुनका सबके सेहो संभाल कर रहनाए बहुत जरूरी छै। ई बात केलहुँ हैं अखन की लक्षण छै। अब हार्ट अटैक में बहुतेक छै है ना ट्रीटमेंट, अहाँ के जते सकभर अहाँ हॉस्पिटल में जते जल्दी जेबै अहाँ के मुटू के, अहाँ के हृदय के कम क्षति होत, कम नुकसान होत, ओहि के कारण अहाँ के जिये के संभावना एगो बढ़िया जीवन जेहन छलिए ओहने फेर से जीवन तक के जिये के लागि बाँचे के लागि बहुते मदद पुगता, लेकिन जतबे लेट करबै अहाँ ओतबे अहाँ के दिक्कत होत। अब एहि उपचार सब में सबसे पहले बात करे छी, अगर अहाँ गेली आ अहाँ के ककरो देखलिए किनको जे रोग अथी भ रहल छै, किनको अहाँ देखलिए जे हुनका हार्ट अटैक के लक्षण देखलिए, सबसे पहिल का बात अहाँ के स्टॉप याद करे पड़त है ना। तकर बाद ककरो अहाँ बुझ गेली हिनका हार्ट अटैक के लक्षण छै, अहाँ किनको बजैयो मदद के लेल, तकर बाद सबसे पहले फोन कॉल करू। आ विदेश में तो होइ छै 911 कॉल केलक तो अपने मने आबि गेल हेल्प करे वाला हेल्थ के टीम, लेकिन अपना सबके नेपाल में नहीं छै, ओहन कंडीशन में की कयल जात। अब जेना कि डॉक्टर सबके पहिलही से आप हार्ट के रोगी छलिए तो डॉक्टर्स के नंबर लेने रहब, नदी के स्वास्थ्य कर्मी से अहाँ संपर्क कर सके छी, अहाँ के कोई हार तिनका खबर कर सके छी, गाड़ी के लागी व्यवस्था कर सके छी। सबसे पहले जकरा से अहाँ के सहायता मिलत हुनका हेल्प करू। दोसर देखू रिस्पॉन्स कर रहल छथिन कि नहीं छथिन, अगर होश में छथिन, बाजि रहल छथिन आ हुनका लग एस्पिरिन नामक टैबलेट छै, ASPIRIN एस्पिरिन नामक टैबलेट छै, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन केने छनि, तऽ 300 mg डोज अहाँ एगो टैबलेट हुनका तुरंत चिबाबै लेल दऽ दियौ। हम फेर से दोहरायब, एक बेर डॉक्टर से सलाह जरूर लेब एहिके लागि। तकर बाद एस्पिरिन खेला दऽ दियौ आ अहाँ की करू तऽ सकभर गाड़ी के या फिर आप कते जल्दी हुअ सके हुनका हॉस्पिटल लऽ जाओ। दोसर बात, अगर पेशेंट अहाँ के की या जे विक्टिम छथिन जिनका परेशानी भेल यऽ, ओ बेहोश भऽ गेल छथिन, कुछ नहि बाजि रहल छथिन, तऽ अहाँ के नाड़ी देखाबऽ के अबैए तऽ अहाँ नाड़ी देखियौ। नाड़ी देखाबऽ के लेल अहाँ के की करऽ के यऽ, अहाँ के नाड़ी देखाबऽ के लेल अहाँ के अगर नाड़ी देखाबै तऽ अहाँ हाथ में नाड़ी देख सकै छी। आ जे मतलब क्रिटिकल पेशेंट रहै छै हुनकर हाथ में नाड़ी नहियो रहल तऽ हुनकर की कहै छै तऽ हमसब कैरोटिड आर्टरी के कहै छै जे गर्दन में हुनका की कह सकै छी तऽ अहाँ सब देख सकै छी, पल्स अगर देखाबै तऽ ठीक छै, अगर नहि पल्स चलि रहल छै तऽ ओहन में CPR
कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन अहाँ के शुरू करके छे जैमे की करे छे त कृत्रिम सांस मुँह से मुँह लगा सांस दिए पड़े छे आ छाती के हाथ सीधा करके ओ के की करे छे त कंप्रेस कर पड़े छे दबाव पड़े छे। अगर अहाँ ट्रेनिंग नहीं लेने छी सीपीआर के बारे में जानकारी नहीं आ तो अहाँ की कह सके छी बीमारी के सीधा सुता दियो आ कोनो मतलब एकदम कड़ा सरफेस पर है ना सतह पर वही पर सुतेला के बाद अहाँ की करियो तो अपन दुनू हाथ के राख के की कह सके छी तो हुनका कंप्रेशन अहाँ चेस्ट के दबा सके छी। सीधा हाथ राख के या जे हाथ अहाँ खाना खाए छी अथवा बेसी बलुआ रहा ओ हाथ के राख के अहाँ जे हाथ नहीं अहाँ के मतलब कहीं कमजोर हाथ है ओके ऊपर राख के एना के अहाँ के हाथ के की कर के या तो एक दोसर से बांध लिया के आई तरह ती से हुनकर छाती के बीच में राख के जोर से दबाब के या छोड़ के या दबाब के या छोड़ के या अगर अहाँ के इहो कर नहीं अबे है तो हुनका ओहने जगह पर छोड़ दियो आ अहाँ जते जल्दी हो सके अस्पताल जाके तरफ लागू। अब ई फर्स्ट एड भेले की कह सके छी है ना आ अगर अहाँ के ई बात भेले अगर अहाँ के अपने भ जेते त की करबे अहाँ अपने चीज घर में अहाँ के हार्ट अटैक आबि गेल अहाँ के स्टॉप के लक्षण देखा रहला एसटीओ अहाँ लग है तो अहाँ की करू पी फोन कॉल करू अपन फैमिली के अपन रिलेटिव के अथवा मेडिकल पर्सन के डॉक्टर के नंबर है तो और बढ़िया। तकर बाद अहाँ के अपने ई नहीं से हमारा हार्ट अटैक आबि रहा हम दौड़ के बाइक निकालू आ चल जाओ अहाँ के ड्राइव नहीं कर के आ अहाँ जते छी ओते अहाँ सुत रहू आ अहाँ माथा के ऊपर कह के मतलब अपना सब कहे छी नहीं पैर सीधा कह के तकिया उकिया आरेस लगा के बैठ रहू अहाँ तकर बाद पूरा फ्लैट नहीं सुत के कनी मूरी उठा के सुत के तकर बाद अहाँ लग एस्पिरिन टैबलेट है तो 300 mg एगो मुँह में राख के चबा लिया आ ककरो से हेल्प मांगू। ई फर्स्ट एड छे आ हॉस्पिटल गेला के बाद बहुत किस्म के ट्रीटमेंट होइ छे अहाँ के जाते मात्र एडमिट करता हिस्ट्री लेता तकर बाद लक्ष्य ईसीजी लेता ईसीजी में अगर देखल गेले कि अहाँ के सच में हार्ट अटैक आबि रहा तो तुरंत अहाँ के भर्ना कह देता आईसीयू में हुआ सके तकर बाद विभिन्न किस्म के अब सूर्य में की होइ छे तो मेडिसिन सब पहले देत अहाँ के तकर बाद स्टेंट देत स्टेंटिंग कहे छे जाहिमे जे रक्त नली जाम छे ओहिमे मशीन से जाकर ओके साफ कऽ दै छे अथवा बहुत किस्म के छे अपना नेपाल में स्टेंटिंग तक के छे शुरू भ गेल छे आप कैथेटराइजेशन सब तरीका के छे हम ओहि दिन से नहीं जाब आब अपना सब हम ई ट्रीटमेंट पर बेसी ध्यान दिए से जा बनिया हम दोसर विषय पर कनी बेसी फोकस दिए चाहे छी। अगर रोग लाग गेले है ना हार्ट अटैक के लिए हमरो एले दोसरों के लिए की करबे हॉस्पिटल के लिए अपना सब आई रोग के लाग ही नहीं दिया के लागी अपना सब की कह सके छी ते पर जब अपना सब कार्यक्रम के लगभग आधा दिस आबि गेल छी हाउ टू हम ऑलवेज कहे छी हम सब दिन कहे छी हमर शो में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो किया नहीं हार्ट अटैक के सेहो प्रिवेंट कैल जाए तो हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के लागी 7 चीज छै ईट राइट ओके लूज वेट गेट मूविंग एक्सरसाइजिंग स्टॉप स्मोकिंग रिड्यूस ब्लड शुगर रिड्यूस कोलेस्टेरोल लेवल एंड देन मैनेज योर ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर आ कोलेस्टेरोल के लागी अहाँ के एक गो या सबसे बढ़िया चीज ईट फर्स्ट नंबर के चीज राइट अथवा ईट हेल्दी तो अब लूज वेट केना करबे हम पहले ओहि पर जाय चाहब तो एक्सरसाइज करनाय जरूरी छै ओहि के लागी अगर अहाँ के छाती में दर्द नहीं होइया अहाँ सांस लिए में दिक्कत नहीं है ओहि कंडीशन में अहाँ की करबे तो कम से कम अगर अहाँ कह सकै छी तो 1-50 मिनट डेली के एक्सरसाइज करना जरूरी है अगर नहीं कह सकै छी तो ओहन कंडीशन में अहाँ डेली 30 घंटा अहाँ के वेट लॉस करे के या ओहू कंडीशन में डेली 30 मिनट माफ करब घंटा कह गेल मिनट 30 मिनट अहाँ के एक्सरसाइज करे के या एरोबिक एक्सरसाइज करे के या आ 1 घंटा अथवा 1 किलोमीटर अहाँ के ब्रिस्क वॉक करे के है ब्रिस्क वॉक मतलब हाथ के हिला कर
पूरा देह जैसे कि स्पेशली अपर बॉडी पार्ट एब्डोमिन अहा के पेट ऊपर का भाग शरीर के भाग हिले वही तरीका से अहा के जोर जोर से झटकाए के चल के आ। दोसर अगर अहा नहीं कर सके छी तो कम से कम अहा 20 से 25 मिनट हफ्ता में 3 दिन टाइम दियो। अहा 20 से 25 मिनट घर में एक्सरसाइज करू अथवा अहा छत पर जाकर वॉक करू। अब दोसर भेल अहा के स्मोकिंग करही के नहीं है, अल्कोहल अहा के खाही के नहीं है, बहुते दिक्कत भ रहा है तो कम कम करे ते जाओ लेकिन कृपया करके एके बंद करो। अब एले खाना पर चले छी, खाना के लागी ब्लड प्रेशर के लागी आ ब्लड प्रेशर साथ साथ डायबिटीज में सेहो हेल्प होइ छै, कोलेस्ट्रॉल में सेहो हेल्प होइ छै। आ बहुते किसिम के डाइटिशियन सब मॉडिफाई खेने छथिन जेमे छै डैश डाइट DASH डाइटरी अप्रोच फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप नहीं हुआ दिया के लागी जे खाना के एगो मॉडल तैयार कैल गेल छे ओकरा डैश डाइट कहे छे। तो आई डैश डाइट में की छे तो सबसे पहिलका चीज फाइबर रेशादार खाना बहुते रिच हुआ चाहिए, बढ़िया हुआ चाहिए, खाना में रेशादार खाना चाहिए। तेकर बाद सोलुबल फाइबर अथवा या फाइबर में सोलुबल फाइबर जेना कि फल फूल से निकल वाला फाइबर अहाँ के अथी कथी कहे छै होल ग्रेन्स जेना कि गहूम भेले मरुआ भेले अइ सब में से निकल वाला जौ में से निकल वाला फाइबर्स भेले देलहन चीज सब जेना कि कारी दालि मौसरी के दालि रहरी के दालि कोनो दालि अहाँ सब खा सकै छी। सोलुबल फाइबर्स के बाद अहाँ के पोटासियम बेसी हुआ वाला खाना खाय चाहिए। पोटासियम बेसी जेना कि सबसे बेसी पोटासियम फ्रूट्स में पायल जाए छै जेना कि अहाँ के समतोला भेल अनार भेल कीवी जेकरा चीकू सेहो कहै छियै बना अथी केरा भेल सबसे बढ़िया केरा आ नारियल के पानी में सबसे बेसी पोटासियम पायल जाए छै। आम के महीना आबि रहल छै फुट सब होइ छै तकर बाद साथे साथे ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम किशमिश सब भिजा कऽ सेहो खा सकै छी। दोसर वेजिटेबल्स में तरकारी सब में कनी कम पायल जाए छै जेना कि पालक के साग चुकुंदर अथवा बीट रूट जिनका कहे छै ओइके साग साधारणतया बजारों में नहीं बिकाय छै खेबो नहीं करे छै लेकिन अगर उपलब्ध है तो उ बहुते के बढ़िया पोटासियम रिच होइ छै। तकर बाद अहाँ के आलू टमाटर अलहुआ जे अपना सब कहे छै स्वीट पोटैटो उहो बहुते बढ़िया सोर्स भेलै, कदीमा भेलै, एवोकाडो अगर अवेलेबल है तो खाओ, जे अहाँ लग एहि सब में से उपलब्ध है ओइके खाओ। तकर बाद आउ चीज सब में पोटासियम मिले छै जेना कि दही में मिले छै मही में मिले छै कनी कम कम मिले छै लेकिन मिले छै। आइ काल्हि लोग सब कदीमा के बिया सेहो खाए छै ओहो में बढ़िया पोटासियम मिले छै भुज के अहाँ खा सकै छी। तकर बाद चॉकलेट जेना कि डार्क चॉकलेट होइ छै ओ कनी तीत रहै छै ओहिमे शुगर के मात्रा कम रहै छै ओहिमे हाई पोटासियम सेहो होइ छै। तऽ ई कुछ खाना सब छै जे हार्ट के लागि बहुतेक बढ़िया छै। अब तकर बाद फोलेट रिच फूड सेहो खा सकै छी जेना कि ग्रीन लीफी साग पात सब खा सकै छी। तकर बाद ओमेगा थ्री रिच फूड अथवा ओलिव ऑयल खा सकै छी, नट्स सब भेलै काजू भेलै किशमिश भेलै तकर बाद अहाँके बादाम सब भेलै सबके भिजा कऽ खाना बढ़िआँ रहै छै। ओना नहि भिजायल हैत ओनाहितो खा सकै छी लेकिन भिजा कऽ खायब तऽ कनी बढ़िआँ रहत। ई खाना सब छै कुछ जे बढ़िया छै जेना कि आप हार्ट के लागे स्पेशली माछ बहुते बढ़िया छै। माछ जेमे ललका मांस मिले माछ में मांस की गुद्दा कहू या मांस कहू लेकिन मांस में फेर अब जेना कि खसी के मांस हाई फोटो वाला सब अथी हाई कोलेस्ट्रॉल जेमे मिलते है ना ओहन टाइप के खा फेर नहीं खा के अहाँ के अहाँ चिकन खा सकै छी कुछ कुछ कनी मात्रा में। अब केना के खायब डैश डाइट के जे मेन चीज छै ओ कथी कहे छै एगो जनरल एगो जे सामान्य वयस्क छथिन हुनका सबके 2100 कैलोरी खाय चाही एक दिन में जैमे टोटल फैट मतलब तेल वाला चीज सब 27% जैमे सैचुरेटेड फैट कम से 6% मात्र होना हुआ चाहिए। तकर बाद प्रोटीन 18% कार्बोहाइड्रेट 55% कोलेस्ट्रॉल 150 mg मिलीग्राम सोडियम सोडियम आ पोटासियम दू गो चीज बहुते ध्यान देना जरूरी छै डैश डाइट में। अहाँ के पोटासियम रिच डाइट खा के है ई मतलब हाई ई मतलब लो, पोटासियम रिच डाइट खा के है आ पोटा अथी
सोडियम लेस डाइट खा के है, कम खा के है। तो सोडियम मतलब कथी में मिलते है? नून में, कनी नी कनी नून आरो चीज सब में मिले से खाना सब में, लेकिन अपना सब जो नून खाए थी सबसे पहले अगर अहा के एक्स्ट्रा चीनी राख के आदत है, एक्स्ट्रा नून राख के खाना में रख के आदत है, तई के अहा कंट्रोल करू, से आदत के छोड़ू। दोसर बात अहा के 2.5 अगर अहा के बीपी नॉर्मल है ओई कंडीशन में अहा माफ करब 2.3 ग्राम अथवा 2003 से मिलीग्राम मात्रे अहा के सोडियम भर दिन में खा के है, लेकिन वही जगह पर पोटासियम अहा के की कर के या तो 5 ग्राम खा के है। अब पोटासियम रिच डाइट हम कह दिलूँ है, लेकिन 2.3 ग्राम अहा सोडियम के ना खेबे, अथवा अहा के अगर हाइपरटेंशन भ गेल है, अथवा अहा के ब्लड प्रेशर बढ़ वाला है, अहा के दवाई खाए वाला पड़त अहा के कंट्रोल कर के है, वही से पहले ओहन कंडीशन में अहा जम्मा कते खाओ तो 1.5 ग्राम सोडियम मात्रे खाओ। अब ओई के लागे अहा के कथी करबे त अगर अहा के घर में टी स्पून चाय पत्ती से प्रयोग करे वाला चमचा छोट चमचा है तो ठीक है, नहीं है छोट चमचा तो बड़का चमचा जो साधारण चमचा है वही में एक चमचा नून राख दियो, वही के अहा की करियो 1/3 भाग, एक तिहाई भाग भाग लगाओ, आ तीन भाग लगाओ आ एक तिहाई भाग जे छे ओई के अलग कर लो, आ उ एक तिहाई भाग मात्रे अहा के भर दिन में 24 घंटा में खा के आ। अहा जते बेर खाना खाओ, दाल खाओ, तरकारी खाओ, जो तरीका के नमकीन चीज खाओ, ओई सब में अहा ओई चम्मच में के एक तिहाई चम्मच में के नून मात्रे राख के खा सके छी। तकर बाद अहा के भेल ई चीज भेल, आब कोना के खा सके छी डैश डाइट में, त कै बेर के खा सके छी ई बात कहब, तब तरकारी ताजा ताजा फल फूल छै त अहा दिन में दू बेर खाओ, अहा के सेरल्स भेल जेना कि गहूम सब से बनल चीज, कोदो सब से, ओट सब से बनल चीज दिन में एक बेर खाओ, नट्स सब, सीड सब, अथि ओलिव ऑयल से बनल तरकारी सब, अथवा मतलब काजू बादाम सब दिन में एक बेर, दालि के कम से कम हफ्ता में दालि, माछ, आ माछ में स्पेशली झिंगा माछ जे होय छै से माछ बहुते बढ़िया मानल जाय छै, अथवा कोनो माछ खा सकै छी, उ हफ्ता में 4 बेर कम से कम खाओ। तकर बाद अहाँ के लाइक व्हाइट मीट, चिकन भेल तो चिकन, अंडा, चीज, दूध, ई सब अहाँ की करू तो हफ्ता में 3 दिन मात्रे खाओ, एहि तरीका से खा सकै छी, कम मात्रा में खाओ आ संयुक्त रूप से सब चीज मिला के खाओ, खा सब चीज सकै छी देखू, लेकिन अहाँ सही मात्रा से खेबै या कम मात्रा से खेबै ओहि पर भर पड़ैया अहाँ के स्वास्थ्य के बात। आब दूध कोना को पीबे, दूध में अपना सब बहुते औटल रहे छी, भैंसी के दूध हेते, बहुते मोटके छाली हेते, ते की करे के छे, छाली नहीं खाए के छे दूध के, आब जेना कि भैंसी के दूध एलै आ कोलेस्ट्रॉल बेसी छे, कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल करे के छे, ते की करबे त एक गिलास दूध में एक तिहाई, तीन भाग के एक भाग अहाँ पानी धो दियो, तकर बाद बाकी दू भाग दूध धो दियो, ओई के एक बेर खोलियो, बेसी खोलावे के काम नहीं छे, एक उबाल आबि जाय तो ओई के बंद कर दियो, कनी काल ठंडा दियो, ओई में जे छाली पड़ल है ओई छाली के पूरा निकाल दियो, आ उ दूध के अहाँ दही पौर सके छी, उ दूध अहाँ की कह सके छी त दिय सके छी। तकर बाद ई सब भेल जे खाना के बारे में भेल, अब कुछ अहाँ सब सुनैत होबे करेला के जूस पिए छै, कुछ और चीज के जूस पियल छै, देखियो वैज्ञानिक तरीका से एक पूरा प्रूफ नहीं भ गेल छै, लेकिन अगर कहल जाय फूड एंड न्यूट्रिशन के हिसाब से तो ओइ में अपने सब कह सकै छी, तो हम उहो उपाय अपने के बता दै छी, लेकिन अहाँ के सतर्क भ के ई उपाय अपनाबे पड़त। अगर अहाँ हाइपरटेंशन के दवाई लऽ रहल छी तो अहाँ के बहुत एक बेर डॉक्टर से सलाह सेहो लऽ लेब तो बहुते बढ़िया होत। की करे के छै त एगो आदमी एगो करेला भोरे धोके बढ़िया से ओके काट के ओके पीस के ओके पानी जे होय छै से गाड़ि के पानी अहाँ खाली पेट में पीऊ, तई के कम से कम 15-20 मिनट तक और कुछ नहीं खा के आ, कुछ नहीं पिए के आ, तकर बाद अहाँ अपन रेगुलर रूटीन पर जा सकै छी, या तो करेला भेले। आ अहू से एगो और चीज छै जे कुछ बहुत विद्यार्थी सबके कैल रिसर्च छै लेकिन ओते मान्यता नहीं के छै, अखन तक नहीं आयल छै अपना सबके प्रैक्टिस में, अहाँ की कह सकै छी तऽ भिंडी, भिंडी अथवा अपना सब राम
ओके भिंडी की कह सकै छी दू गो भिंडी लिए के छै, दू गो भिंडी के वाश करू बढ़िया से दो, तकर बाद ओ दुनू भिंडी के चार टुकड़ा में कट कर दियो। चार टुकड़ा में कट केला के बाद एक गिलास पानी में अहा भिजा कर रात में राख दियो। 12 घंटा भिजत पड़ते, भोरे उठ कर की कह सकै छी ओ भिंडी के अहा के जे करे के करू, लेकिन ओ जे पानी छै से पानी अहा के खाली पेट में पिए के आ आधा घंटा के बाद, आधा घंटा तक अहा के कुछ नहीं लिए के आ, तकर बाद अहा अपन नॉर्मल रूटीन पर जा सकै छी। तो इहो बहुते फायदा केने छै, लेकिन ई दुनू प्रक्रिया के लागि हम गारंटी नै लै छी। अहाँ सबके अगर प्रयोग करे के हा प्रयोग करू, लेकिन विथ प्रिकॉशन, है ना, सावधानी अपना का। आ अगर अगर इफेक्टिव हेल तो हमरा मैसेज जरूर करब। ई भेला जे डाइट पर केना कोना कंट्रोल करे के छै अपना सबके, तो लगभग हमरा विचार से सभे चीज आबि गेल छै। अपना से बात कर रहल छी हृदय घात पर, अगर कोनो चीज छूटल हेतै तो आप दोसर एपिसोड में बात कर सकै छी। एगो और बात कह चाहे पेट के एब्डोमेन कते रखनाय जरूरी छै, तो अपना सबके की करे के है, वेट तो छेबे कैल छै, साथ साथ पेट के मोटाई सेहो नाप पड़तै। तो ढोरी पर इंची टेप राख कर दोसर दिस से आन कर आ गोल कर के देखबै कतेक सेंटीमीटर या, तो लड़की सबके 80 सेंटीमीटर से कम हुआ चाही आ लड़का सबके 95 सेंटीमीटर से कम हुआ चाही। आ अगर अहाँ के बेसी है तो अहाँ के मेन फोकस वही बढ़ल सेंटीमीटर के पेट जो है तैके मोटाई के घटनाय बहुत जरूरी है। तो ऐसे हृदय घात आ डायबिटीज शुगर दुनू के लागी अहाँ सबके रिस्क में पड़ सकै छी। तो आब सारांश करे चाहब अंतिम अंतिम के क्षण में आई के प्रोग्राम के, सबसे पहले याद करे के अपना सबके लक्षण की छै, लक्षण तो स्टॉप छै, समथिंग इज रॉन्ग, ऐसा कुछ गलत भ रहल छै। टी से सिम्टम टाइटनेस होत, ओ से अदर सिम्टम सांस लिए में दिक्कत होत, फोन करू। तकर बाद अगर लक्षण सब की हेतै, अगर लक्षण सब तो ओके लागि याद करे पड़त CMA पेन SOB विथ CC, एगो स्टॉप भेल आ दोसर इहो याद कर सकै छी CME चेस्ट, M सब माउथ, माउथ के एरिया ई जे भेलै ई दाढ़ी के नीचा में गर्दन से ऊपर के भाग, तकर बाद आर्म, है ना, पेन, चेस्ट पेन होते, तकर बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लिए में दिक्कत होते, आ चेंजेज इन कॉलर फेस में अथवा आंगुल सब अंगुरी अंगुरी सबके की होते तो सबे नीला नीला पड़ जेते। तकर बाद खाना में डैश डाइट अपनाबा के छै प्रिवेंशन के लागी, डैश डाइट में 5 ग्राम सोडियम आ 1.5 ग्राम, माफ करब 5 ग्राम पोटाशियम आ 1.5 ग्राम सोडियम जरूरी छै। तकर बाद अगर भ गेल किनको हार्ट अटैक तो की करे के छै, CAC क्या याद करे के छै, कॉल करे के छै, फोन कॉल करे के छै, एस्पिरिन लिए के छै आ दोसर चेस्ट कंप्रेशन करे के छै। तो फिर से हम कह चाहब EWEBSC याद करे के लागि, ईट हेल्दी, वेट बैलेंस करू, तकर बाद एक्सरसाइज करू, ब्लड प्रेशर मेंटेन करू, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करू, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करू, हार्ट अटैक से बचू, अपना परिवार के, अपना टोल छर छिमे के सेहो सुझाव दिए, सलाह दिए। आशा करै छी आई के ई कार्यक्रम अपने सबके कुछ ने कुछ सुझाव जरूर देत, कुछ ने कुछ सहयोग जरूर पुगत। अगर कुछ त्रुटि भेल हो तब क्षमा प्रार्थी छी, आई के लेल आज्ञा दिए, नमस्कार।